पर्यावरण को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। अगर पर्यावरण स्वच्छ है तो हम भी जो है स्वस्थ हैं। तो और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक कदम आप भी बढ़ाएं, मेरे साथ आइए। हेलो एवरीवन, के लाइव में आपका मोस्ट वेलकम। और जो आज की वीडियो है तो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। और देखिए, त्यौहार शुरू हो गए हैं और हमारे घर में जो भी वेस्टेज चीज़ें होती हैं, आइटम होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, या तो फेंक देते हैं या कबाड़ी को दे देते हैं। तो उससे फेंकने से क्या होता है, तो ये देखिए पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। बट उसको अगर हम डेकोरेट करके और उसे हम अपने घर में भी, अपने कूड़ा कबाड़ अपने घर में ही यूज कर लें, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आइए, मैं उसी पर ये आपको आइडिया दे रही हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं इस आपको एक बेस्ट आइडिया देने वाली हूँ, हम कबाड़ का जुगाड़ गार्डन में कैसे कर सकते हैं। और ये कबाड़ पूरा मेरे गार्डन की शोभा बनने वाला है। और देखिए मैं कितना खूबसूरत इस कबाड़ से अपने गार्डन को सजाने वाली हूँ। और देखिए गार्डन में मैं कौन कौन से कबाड़ का जुगाड़ करने वाली हूँ अपने गार्डन में, और इनको मैं सभी को अपने कबाड़ को अपने गार्डन में सजाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये कूलर का मेरे पास वेस्टेज पड़ा हुआ है, तो अब इस पर हम नहीं रखते, तो ये अब फेंकने लायक हो गया था, मगर मैं फेंकूँगी नहीं, अपने गार्डन में ही काम लूँगी इसका। तो ये बहुत काम का है हमारे गार्डन के लिए। और यहाँ पर ये पाइप, ये निकला था मेरे मकान से जब काम हुआ था, तो ये बेकार था, तो ये देखिए मैंने इसको भी नहीं दिया है कबाड़ी को। और बहुत सारी मेरे पास कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, अल्ट्रा वॉश, और ये देखिए बाइक की ये लाइट है, ये भी मेरे गार्डन में काम आने वाली है। तो ये इतना सारा है और भी है मेरे पास। तो अब मैं इसमें क्या क्या यूज करने वाली हूँ इसका, ये देखिए मैं दिखाने वाली हूँ। और इस वीडियो को पूरी देखें तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या इसका बनाने वाली हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आपको पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। और इसे साफ सफाई करने के बाद इसके बाद मैं पेंट करने वाली हूँ, पेंट करके फिर दिखाते। और इस पर मैंने पेंट कर लिया, और अब मैं इस पर चमकी टेप लगाने वाली हूँ, तो इससे चमकी टेप से और भी खूबसूरत ये डेकोरेट हो जाएगा, तो ये और भी सुंदर लगेगा। और इस बैंड पाइप के ऊपर मैं 5-6 जगह लगाने वाली हूँ चमकी टेप। तो एक यहाँ लगा दिया है, और एक यहाँ लगा दूँगी, और एक यहाँ लगा दूँगी, और एक यहाँ लगा रही हूँ। और ये वही पाइप है, और कितना खूबसूरत, थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया, पहले पेंट कर और फिर ये चमकी टेप लगा दिया, तो देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। और इनके रैपर भी, और ये वाइट कलर की जो अल्ट्रा वॉश की बोतल है, इसको भी मैं कट कर लेती हूँ, या भी मैं टेप लगा के यहाँ से यहाँ तक कट करूँ। इन दो बोतल को भी, इसको भी मैं लटकाने वाली हूँ। और कैंची गरम करके, और इसमें मुझे ढक्कन में होल करना है दोनों में, और यहाँ पे होल करना लटकाने के लिए, तो मैं ढक्कन में होल कर लेती बीचों बीच, और दोनों वाइट बोतल को थोड़ा सा मैं डेकोरेट कर देती हूँ नेल पेंट से, और डेकोरेट करके बहुत ही सुंदर लगेगा। और नेल पेंट से ये देखिए, ये भी खूबसूरत लग रहा है ये बनके इस पर, तो इस पर और भी 4 चांद लग गए देखिए वाइट में, और इस पर भी मैंने बना दी, तो ये देखिए। और मैंने सभी में जितने भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल यूज करनी है मुझे, तो मैंने सभी में जो है पेंट भी कर लिया है। और मैं इस पर अब इस तरह से इस पर ये चमकी टेप लगा रही हूँ, तो ये बहुत खूबसूरत ये लगते हैं। और फिर इसके बाद ये हम इसमें, और हम होल भी कर लेंगे नीचे, बॉटम में भी होल करेंगे, और जिससे पानी जो है निकल जाए। और इसमें भी 3 छेद करेंगे, 1, 2 और 3, ये लटकाने के लिए, इस तरह से हम लटकाने के लिए इसे छेद भी कर लेंगे सभी में जितने भी हमारे पास ये बोतल है। और देखिए गोल्डन की बोतल कितनी खूबसूरत हो गई, और इन पे पेंट भी कर लिया है, इनमें धागा भी बन गया है लटकाने के लिए, और इन पे ये चमकी टेप भी लगा दिया है, तो सारे काम कंप्लीट है। और ये देखिए अब ये गार्डन में मेरे सजने के लिए तैयार है, तो मैंने इन पे सभी को ये देखिए कैसी बांधती हूँ फटाफट, और फिर आपको दिखाने वाली हूँ कितना खूबसूरत ये लगने वाले हैं। तो मैं पहले सभी को इनको बांध देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और इस बोतल में डोरी बांधने के लिए, लटकाने के लिए, तो मैंने ये देखिए एक एक ढक्कन इधर, ये कैप जो होती है बोतल की, तो इसमें बांध दिया है अंदर, जिससे ये यहाँ पे अटके रहे, नहीं तो क्या होता कभी कभी धागा यहाँ से निकल जाता है। तो ये मैंने दोनों ही साइड में दे दिया, और दूसरे में भी देने वाली हूँ, और ये इस तरह से आराम से ये लटका रहेगा और खूबसूरत भी लगेगा।
और यहाँ पर ये देखिए मैं एक साइड में इसमें ये इसको बोतल को लटका रही हूँ, तो ये इसके अंदर से निकाल के तो इसको आराम से इसको ऐसे डाल दूँगी। ये देखिए कितनी खूबसूरती से ये लटक जाएगी। और देखिए धागा बांध के मैंने ये सब ये देखिए यहाँ पे लटका दिया इस तरह से। और बड़े वाले एक ये देखिए इस तरह से पांच प्लांटर इधर साइड में दिए, पांच प्लांटर उधर साइड में दिए, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं अभी लटके हुए। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। बस इसमें अब क्या करेंगे, मिट्टी फिल करेंगे सभी में और इनमें सभी में प्लांट लगाएंगे। प्लांट कौन से लगाएंगे मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको मिट्टी, और कभी भी हम लटकाने वाले प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए बिल्कुल वेल ड्रेन और बिल्कुल हल्की मैट जिससे वो लटकाने में हमें परेशानी ना हो। तो ये देखिए मैंने इसमें कोकोपीट ज़्यादा डाली है और दुगना कोकोपीट है, और मिट्टी एक पार्ट मिट्टी है एक पार्ट सैंड है और एक पार्ट और दो मुट्ठी इसमें नीम खाली जिससे फंगस ना लगे। तो ये देखिए मैं इसमें मिला के और बिल्कुल ये मिट्टी एकदम हल्की हो जाएगी सोयल इसकी। और जितने भी मैंने प्लांटर बनाए सभी में इसमें ये सोयल फिल कर दूँगी फटाफट। तो ये मैं इसमें काम लेने वाली हूँ क्योंकि इस पाइप को अगर हम ऐसे रखें नीचे मिट्टी गिर जाएगी उसका फ्रेम है। और इसको मैंने इसको अंदर रखना और इसकी सपोर्ट इसमें मिट्टी फिर फिल करनी है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसमें मिट्टी फिल कर दूँगी और इसमें मिट्टी फिल कर दूँगी और यहाँ पे ये प्लांट रख दूँगी तो ये बहुत अच्छे से चलेंगे। और इसमें मैं ऐसे ही मिट्टी फिल कर दूँगी तो इसमें बड़े आराम से ये प्लांट लगेगा। और प्लांट लगने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। और इस बोटल प्लांट में इसका कुछ अलग लुक देने वाली, तो मैं इसमें कुछ जेड प्लांट लगाने वाली हूँ। और देखिए टोपायरी टाइप में मैं दिखाने वाली हूँ। ये मैंने एक वायर लिए तो मैं इसको वायर को इसमें फिट करके और इसमें जेड प्लांट लगाने वाली हूँ, तो बहुत खूबसूरत लगने वाला है। और यहाँ से प्लांट से एक जेड प्लांट की ये स्टेम ले लूँगी और यहाँ इसको लगा दूँगी इस तरह से और इसको फिर लपेट दूँगी इस तरह से। और एक साइड में मैं ये जो बैंड पाइप है तो मैं इसमें ये लाल पत्ती वाला प्लांट देने वाली हूँ। और अब मैं दिखाने वाली हूँ मैंने प्लांट कौन कौन से लगाए इन प्लांटर में। ये देखिए और डेकोरेट भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये बुद्धाज है और ये जो बड़ी बोतल थी तो इसमें ये देखिए मैंने ये जेड प्लांट लगाया और बुद्धा जी को बिठा दिया है और इसकी छोटी सी टोपायरी बना दी। ये इतना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए ये जो वेस्ट पाइप था कितना बेकार था और इसमें ये अब देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो इसमें मैंने ये रेड पत्ती का जो प्लांट होता है तो ये देखिए ये मैंने इसमें लटका दिए हैं अंदर से लगा के, तो इतना खूबसूरत ये लुक दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत दे रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसका जो दूसरा साइड है तो इस पर मैंने ये ऑक्सीजन प्लांट प्यूरीफाई तो सेंशिवेरिया लगा दिए छोटे छोटे जो मैंने आधी आधी लीव से बनाए थे ये हाईब्रिड वाले, तो इसमें भी ये देखिए। और ये लाइट टूटी हुई थी तो उसी का ये फ्रेम है तो उसी में लगा दिए। कितने खूबसूरत ये लुक दे रहा है, बहुत ही प्यारा। और एक कांच की बाउल ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी तो यूज नहीं होती है तो मैंने इसमें पानी डाल के और इसमें ये वाटर प्लांट लगाया। तो ये देखिए वाटर केप ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, ये कितना खूबसूरत इसमें लुक दे रहा है, एक कॉर्नर में लगाया है। और इधर मैं दिखाती हूँ आपको साइडों में, यहाँ पर मैंने ये मेरे पास मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी है तो ये देखिए कितनी खूबसूरत इसमें लग रही है अलग अलग पत्ती की, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये थोड़ी सी मिट्टी में भी छिल जाते हैं तो उसी अकॉर्डिंग जैसी गमला है और जो है मिट्टी हल्की मिट्टी में भी कम मिट्टी में भी ये चल जाते हैं। तो ये अलग अलग मैंने ये रखे हुए। और यहाँ पर ये मनी प्लांट के बाद ये देखिए मैंने इसको ये जो वेंडिंग जू होता है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे तो ये मैंने एक में वेंडिंग जू भी लगाया है। और यहाँ पर ये इस साइड में दूसरी साइड में आती हूँ, यहाँ पर ये देखिए एक लाइन में ये पांच गमले हैं तो इसमें एक पर्पल हार्ट लगा दिया और इसमें ये बेबी टीयर्स लगा दिए, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है ये देखिए, तो ये चल जाते हैं आराम से। और ये देखिए एक इसमें लगा और इसमें पर्पल हार्ट बीच बीच में पर्पल हार्ट और वैसे मैंने ये बेबी टीयर्स लगाया। और इसमें एक मनी प्लांट बड़ी सी मैंने एक बेल ली और इस पर फ्रेम पे इस पर ये देखिए स्टैंड पे ये लपेट दी। तो इसमें ये मिट्टी कम है
जैसे ही मैंने बड़ा बेल लगाया है मनी प्लांट, लेकिन इसमें मैं बड़ी बोतल दूंगी इसको बाद में। तो ये बहुत अच्छा है, इसका लुक आया हुआ है। ये देखिए यहाँ से मैं दिखाती हूँ, और ये देखिए कितना खूबसूरत ये लटकते हुए, और ये देखिए कितना खूबसूरत इसका चारों तरफ से लुक, बहुत ही सुंदर। इतना कैमरे में नहीं अच्छा लग रहा जितना ये रियल में अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा। तो ये मेरा वेस्ट आइडिया आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आज तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका।